नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टू स्वैग चैनल में। चाइना में आज के समय इनकी सरकार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट को लेकर। आज के समय दुनिया भर में यह टॉपिक न्यूज बना रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट जिनपिंग को एक तानाशाह, एक डिक्टेटर बोल दिया। जो शी जिनपिंग हैं वो एक डिक्टेटर हैं। उनके अलावा कई और बातें बोली जिससे जो शी जिनपिंग की जो इमेज है उनको मैसिव डैमेज हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे बाइडेन कॉल शी जिनपिंग अ डिक्टेटर अ डे आफ्टर बीजिंग टॉक्स। अभी इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये चाइना में गए थे। एंथनी ब्लिंकन ने वो यह स्टेटमेंट दिया कि यूएसए ताइवान के जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं मानता है। यूएसए की स्टेटमेंट है कि यूएसए ये कहता है कि ताइवान को हम जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो नहीं मानते हैं, मगर साथ ही साथ हम यह भी नहीं चाहते कि जो कम्युनिस्ट चाइना है या टेकओवर कर ले डेमोक्रेटिक ताइवान को। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है कि यूएसए ताइवान को स्वतंत्र कोई कंट्री मानता नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि चाइना उसको कवर कर ले। इस जो बातचीत हुई थी उसमें डायरेक्टली बाइडेन ने यह कह दिया कि जो शी जिनपिंग है वो एक डिक्टेटर है। और इसके रिस्पांस में अब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा भड़काव है और इससे चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि G20 समिट में जो शी जिनपिंग है और ये बाइडेन है ये हाथ भी ना मिलाए बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। शी जिनपिंग को पर्सनली बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी यह बात सुनकर, क्योंकि बाइडेन ने आगे भी बहुत सारी बातें बोली हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डेप्थ में कि यहाँ पे हुआ क्या है। अच्छा, ये जो सारा इशू है ना, यह समझने के लिए आपको 4-5 महीने पहले जाना पड़ेगा। 4-5 महीने पहले आपको याद होगा कि यूएसए के ऊपर में उन दिनों को स्पाई बलून उड़ रहा था। इस न्यूज़ को पूरी दुनिया ने कवर किया था कि यूएसए ने चाइना का एक जो स्पाई बलून है यह शूट डाउन कर दिया, यह आपको याद होगा। बीच में जो स्पाई बलून है बड़े न्यूज़ में आए थे। चाइना के गुब्बारे, लिटरली चाइना के गुब्बारे ये भटक रहे थे यूएसए के आसमान के ऊपर। बाइडेन में अंत में यह डिसीजन लिया कि यूएसए की जो एयरफोर्स है इन गुब्बारों को शूट डाउन कर देगी। उसके बाद कम से कम 4-5 गुब्बारे जो चाइना के थे उन्होंने, मतलब जो एयरफोर्स है यूएसए की, उन्होंने इनको शूट डाउन कर दिया। और दुनिया को बाद में यह बताया कि इन गुब्बारों में जासूसी करने वाले उपकरण लगे थे। यह पूरा एपिसोड देखिए चाइना के लिए बहुत ही बड़ा ज़्यादा एम्बैरेसमेंट थी। जो बाइडेन ने पहले तो यह कह दिया कि जब मैं शी जिनपिंग से बात कर रहा था कि शी तुम्हारे गुब्बारे इतने सारे हमारे देश में क्यों आ रहे हैं, जो इनिशियली जो शी ने एक्टिंग करी जैसे उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन से गुब्बारे, कहाँ के गुब्बारे। बाइडेन पर कहते रहे कि ये क्या हो रहा है, गुब्बारे क्यों भेज रहे हो शी, मतलब जो शी जिनपिंग थे वे कहते रहे कि कौन से गुब्बारे, क्या मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। काफ़ी लंबे समय तक जो शी जिनपिंग थे वो एक्टिंग करते रहे कि इन्होंने वो गुब्बारे उनसे कोई रिलेटेड ही नहीं है। बाइडेन ने यहाँ पर ऐड किया कि जब यूएसए ने इन गुब्बारों को शूट डाउन करना स्टार्ट कर दिया और प्रूफ दिखाया कि ये चाइनीज़ गुब्बारे थे, तो यूएसए के जो एयरफोर्स में, मतलब जो चाइनीज़ गुब्बारे जो हैं वो यूएसए के एयर स्पेस में एंट्री कर रहे थे, जब से शी जिनपिंग को यह बात पता लगी है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हुए हैं। डेट वॉज ग्रेट एम्बैरेसमेंट। इन्होंने यह कहा कि जो तानाशाह लोग होते हैं ना, या फिर इसके बाद उन्होंने जो शी जिनपिंग है उनका नाम ऐड करके बोला कि ये जो तानाशाह लोग होते हैं ना शी जिनपिंग जैसे, जब उनको कोई बात पता लगती है और मतलब जिसके बारे में वो अवेयर नहीं थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेंस फील होती है, क्योंकि तानाशाह चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, सब कुछ मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है। बाइडेन ने कहा कि मैं कहूँगा, मतलब जो बाइडेन ने कहा है वो सच बनकर सच होगा, मतलब 100% सच होगा। आप अगर मुझे, मतलब मुझसे पर्सनली पूछे कि जो बाइडेन की कहानी है वो क्या सच है, तो मैं बोलूँगा कि ये 100% सच होगी, क्योंकि एक बात जो इन्होंने बोली है ना, जिस सीक्वेंस में बताई है यह बिल्कुल सही है
चाइना का यही तरीका है बात करने का, चाहे इंडिया हो या फिर कोई दूसरा इशू हो, या लोग अग्रेशन करने के बाद एक्टिंग करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इनकी पॉलिसी का पार्ट है। यहाँ पर आप सोच कर देखिए, बाइडेन ने ओपनली सी जिनपिंग की जो बातचीत है, जो इनकी एम्बैरेसमेंट है, वो पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दी। क्या ऐसे टाइम में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं एक स्टेट विजिट पर, चाइना को कितना बुरा लगा होगा। चाइना की सरकार एक पूरा कार्टून कैरेक्टर चाइना से डिलीट कर दिया, लिटरली इनको हर जगह बंद कर दिया। ये विनी द पू आप टाइप भी नहीं कर सकते हैं इन जो चाइना के इंटरनेट के सर्च इंजन पर, क्योंकि कुछ लोगों ने इनका मजाक उड़ा दिया कि जो सी जिनपिंग की शक्ल है इनसे मिलती है। चाइना जब इतना ज़्यादा आगे जा सकता है अपनी इमेज को बचाने के लिए, तो आप सोचिए कि बाइडेन ने जो सी जिनपिंग को एक तानाशाह से कंपेयर कर दिया, तो ये मतलब कितना ज़्यादा एम्बैरेंस फील कर रहे होंगे। और जो बलून की जो मतलब बातचीत है, वो उनको भी वो लीक कर दिया। बलून वाले इशू को लेकर तो सी जिनपिंग की टीम, सी जिनपिंग खुद कितना गुस्सा फील कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आगे न्यूज आती है तो मैं एक वीडियो बना के हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।